वेलकम टू बिपिशन मेकर दोस्तों आज है आठ नवंबर 2021 और आज के इस वीडियो में छह सात और आठ नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बेगूसराय के कौन सेना के एक जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है इस प्रश्न बारे मैंने आपको बताया था और यहां पर इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि संभव कुमार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा था आप लोग से लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसे विस्तार पूर्वक लिखा जाए और यहां पर आपको बता दू कि छह सात और आठ नंबर दो के करंट अफेयर्स को हम लोग यहां पर देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है तो इसीलिए यहां पर हमने इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन एड नहीं किया सिर्फ और सिर्फ यहां पर आज के इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे और हालांकि जो मंथली पीडीएफ मिलेगा आपको पेड ग्रुप में या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर तो वहां पर ये सारे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और सबसे

यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब प्रदेश का अपना औद्योगिक सुरक्षा बल होगा किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा किया गया कि प्रदेश का अब अपना औद्योगिक सुरक्षा बल होगा तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया था और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार ध्यान रखेगा इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर अपना बिहार चले बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस जिला की तर्ज पर पूर्णिया में बनी खादी मॉल का शिलान्यास राज्य उद्योग मंत्री द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजधानी पटना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब यहां पे बात आई है उद्योग मंत्री की तो बिहार का जो वर्तमान समय उद्योग मंत्री है सैयद शाहनवाज हुसैन तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली देश की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में पहली बार ऐसी इकाई का उद्घाटन किया गया है जिससे कि प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाएगा इसका उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अब यहां पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किए गए ग्लोबल यूथ टोबेको सर्वे के अनुसार राज्य का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है यह घोषणा भी हाल ही में या फिर ये रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया था यहां पर आपको ध्यान रखना यह रिपोर्ट जारी किया गया ग्लोबल यूथ टोबेको के द्वारा तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य का कितना जिला यानी कि बिहार का कितना जिला तंबाकू मुक्त हो चुका है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नीस जिला ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये सारे आंकड़े वाले जो प्रश्न होते हैं मैं आपको बार बार कहता हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है क्योंकि बीपीएससी यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछती है अब यहाँ पे हमारा अगला होगा पांचवा प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ नारी से खरीदारी अभियान की शुरुआत की है इसका नाम है इस अभियान का नाम है नारी से खरीदारी इसकी शुरुआत अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है तो देखिए यहां पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेसबुक के साथ मिलकर यह अभियान की शुरुआत की गई है अब यहां पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि आगामी आने वाले समय में जो बिहार में परीक्षाएं आयोजित होगी जैसे कि बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसआई वगैरह ये सभी एग्जाम को देखते हुए बिहार करंट अफेयर्स का यानी कि सेपरेट बिहार करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट किया गया है चैनल के माध्यम से उसका पहला वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है जिसे कि लगभग दस लोगों ने देखा तो आप भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो की खासियत यह है कि वहां पर जितने भी बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए वो सेपरेट बिहार करंट अफेयर्स उसमें शामिल है और दूसरी विशेषता यह है उसकी वहां पर

पुलिस बलों के सदस्यों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया गया है यह भी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमित शाह गृह मंत्री भी वर्तमान में अमित शाह आपको यह ध्यान रखना अमित शाह के द्वारा भी हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि वर्तमान समय में अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारा अगला होगा सातवां प्रश्न यह प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्यू एशिया 2022 रैंकिंग में देश में पहला और एशिया में बयालीसवां स्थान प्राप्त किया है आपको यहां पर ध्यान रखना है यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्यू एशिया 2022 रैंकिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई बॉम्बे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहां पर आपको यह ध्यान रखना अगर भारत स्तर पर इसका बात किया जाए तो भारत में यह पहले स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे क्यूएस एशिया 2022 रैंकिंग में अगर वहां पर हम पूरे एशिया की बात करें तो स्थान आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब यहां पर हम चलेंगे अगले आठवें प्रश्न पे हमारा आठवां प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने अगले तीन वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दस हजार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है यह भी हाल में किस कंपनी के द्वारा घोषणा किया गया है तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न प्रश्न पे हमारा है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किस वेब पोर्टल की तैयारी की जा रही है जिस पर दिल्ली के कारोबारी अपने उत्पाद का प्रदर्शन कर सकेंगे और वहां से अपने उत्पाद को सेल कर सकेंगे तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली बाजार नाम से एक वेब पोर्टल की तैयारी की जा रही है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा अगला होगा दसवां प्रश्न हाल ही में कितने भारतीयों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा तो यहाँ पे हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 भारतीयों यानी बारह खिलाड़ियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना मोस्ट ऑफ खिलाड़ी जो है ये टोक्यो ट्वेंटी से ही संबंधित है तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए सभी कंप्लीट जानकारी आपको पेड वाला जो पीडीएफ मिलता है डेली बेसिस पे उसमें आपको देखने मिलेगा तो विस्तृत चीजें कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये कौन कौन सा सम्मान इसमें शामिल है वो सभी चीजें जो मतलब कि रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो चीजें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब यहां पे सवाल उठता है कि आप इसका पी फाइल कैसे प्राप्त करेंगे तो आपको बता दूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हमारी टीम के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हमारे जितने भी कोर्स है जैसे कि बिहार जी के बिहार करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वगैरह सभी पर जितने भी कोर्स क्रिएट है बीपीएससी मेकर ऐप पर वहां पर आपको सभी कोर्स पर फिफ्टी तक डिस्काउंट देने का मतलब सोचा गया था तो ये इसका आज अंतिम डेट है ये तीन नवंबर से लेकर के आठ नवंबर तक वैलिड था और ये आज इसका अंतिम डेट है आज रात बारह बजे तक ये एक्टिव है जो लोग भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे लगभग फिफ्टी मतलब यहां पर डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं

उठा सकते हैं तो जल्दी से बीपीएससी को डाउनलोड करें ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और साथ ही साथ कि एग्जाम नजदीक है तो ऐसे में आप बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकते भरपूर लाभ उठाइए और फेस्टिवल समाप्त हो चुका में पढ़ाई में जोर शोर के साथ लग जाइए ताकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में आप एक सीट पक्का कर सके इस चीज का ध्यान रखिएगा यहां पर निसंदेह आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और जो अभी हाल में बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम

हमारा अगला प्रश्न होगा बारहवां प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में ये जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर ये भी आपको ध्यान रखना है अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा तेरवा प्रश्न प्रश्न है हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय के तीन छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है किस विश्वविद्यालय के तीन छात्रों को चांसलर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब यहां पर हम चलेंगे अगले चौदह प्रश्न पे हमारा अगला चौदवा प्रश्न है हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित संगठन ग्लोबल पीस चेन की ओर से आयोजित ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर की किस बेटी ने प्रथम स्थान प्राप्त कर देश का और राज्य का नाम रोशन किया है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुश्री इस प्रश्न का राइट आंसर आपको यहां पर ध्यान रखना है ग्लोबल पीस समिट में मुंगेर के जमालपुर की अनुश्री ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये आपको यहां से ध्यान रखना है अब यहां पर हम चले अगले पंद्रह प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य कि बिहार में हुए कैबिनेट बैठक में कितने इथेनॉल की उत्पादन इकाइयों का खुलना तय हो, हो गया है यानी कि घोषणा किया गया कितने मतलब कि इथेनॉल उत्पादन की इकाई को खोला जाएगा भी हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह मतलब निर्णय लिया गया इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सत्रह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे अगला होगा सोलवां प्रश्न ये प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए राज्य से कितने बच्चों का चयन किया गया है यानी कि बिहार से कितने बच्चों का चयन राष्ट्रीय कला उत्सव में शामिल होने के लिए किया गया है तो बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अट्ठारह बच्चों को चयनित किया गया है बिहार से हमारा अगला होगा सत्रवा प्रश्न यह प्रश्न किस राज्य सरकार ने नंबर सेवन सिक्स फाइव नाइन नामक नई योजना को मंजूरी दी है यह योजना क्या है कंप्लीट जानकारी आपको पीडीएफ में ही देखने को मिलेगा तो इसकी जो शुरुआत अभी की गई है नंबर सात छह पांच नौ नामक योजना की इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे अठारवां प्रश्न है कि हाल ही में कॉफ ट्वेंटी सिक्स जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में किस वर्ष तक वनों की कटाई रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया गया है अभी हाल ही में कॉफ ट्वेंटी का जो आयोजन हुआ था ये ग्लास्को एक शहर है स्कॉटलैंड का वहीं पर आयोजित हुआ है और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस सम्मेलन में किस वर्ष तक वनों की कटाई को रोकने और वनों का दायरा बढ़ाने का वायदा किया गया है शायद मुझे लगता है इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको यहाँ से ये ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो तक के लिए दायरा को बढ़ा गया और ये वादा किया गया है कि वनों की कटाई को रोका जाएगा और वन का दायरा को बढ़ा जाएगा अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा 19वां प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर लॉन्च करने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा किया गया कि पारदर्शी एलपीजी सिलेंडर को लॉन्च किया जाएगा प्रश्न प्रश्न पे हमारा होगा हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है यह घोषणा अभी हाल ही में जो किया गया है विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने की यह किया गया अफगानिस्तान के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और अफगानिस्तान के बारे में एक प्रश्न और भी है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा एक प्रश्न प्रश्न है कि हाल ही में संजय भट्टाचार्य को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात किया जा रहा है अंबेसडर की तो भारत का नया राजदूत जो बनाया गया है संजय भट्टाचार्य को इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो राजदूत वाले प्रश्न होते हैं ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो ये सभी चीजों को यहां से संबंधित याद रखे और पेड पीडीएफ में जितनी भी डिटेल जानकारी है वहां से वो सारी को भी आप और उसे रिवाइज कीजिएगा क्योंकि राजदूत वाले प्रश्न कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में पूछे गए हैं अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा बाईसवां प्रश्न यह प्रश्न हाल ही में किसने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है किस राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की गई है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह घोषणा की गई है अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है तो ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रखना है अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा तेईसवा नंबर प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में कहा जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए उन्तीस संग्रहालयों का उद्घाटन हुआ है तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में जो किया गया है किस राज्य में किया गया है इस प्रश्न का आंसर है मणिपुर और मणिपुर का ध्यान है इम्फाल और आपको यहाँ पर ध्यान रखना मणिपुर में ही जो मतलब कि भारत की जनजातियां हैं उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए उनतीस संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया अब यहां पर हम चलेंगे अगले चौबीसवें प्रश्न पे हमारा चौबीसवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट ने बुकर पुरस्कार जीता है सबसे पहले यहां पर आपको यह ध्यान रखना ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुकर पुरस्कार से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं तो बुकर पुरस्कार से अभी हाल ही में किस देश के लेखक डेमन गलगुट को पुरस्कृत किया गया है तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे हमारा अगला पच्चीसवा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने स्टेट टर्न्स ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में इसका गठन किया स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अब यहां पर हम चलेंगे छब्बीसवें प्रश्न पे हमारा छब्बीसवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र दे मोदी देश के सतासी मंदिरों और तीर्थ स्थलों से सीधे वर्चुअल संवाद करेंगे और इनमें से बिहार से कितने मंदिर शामिल है तो यहां पर आपको ध्यान रखना रखें बिहार के दो मंदिर इसमें से शामिल है यानी कि सुंदरनाथ मंदिर और अशोक धाम मंदिर तो इस आधार पर हमारा फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सुंदर सुंदरनाथ मंदिर कहाँ पर है तो आपको ये ध्यान रखना है सुंदरनाथ मंदिर बिहार के अररिया जिले में है और दूसरा हमारा अशोक धाम मंदिर और ये बिहार के लखीसराय में है तो यह भी जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न होगा सत्ताइस नंबर प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में राज्य कि के किस जिला को नीति आयोग ने चार करोड़ रुपए की सौगात दी है यानी कि बिहार के किस जिला को नीति आयोग की तरफ से चार करोड़ रुपए की सौगात दी गई है इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिया जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आकांक्षी जिला के श्रेणी में आता है पूर्णिया जिला और राज्य के विकास के लिए ये चार करोड़ रुपए की नई सौगात दी गई है नीति आयोग के द्वारा और नीति आयोग से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी चीजों को मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 28 नंबर प्रश्न पे हमारा 28वां प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग 2021 से किस देश में आयोजित किया गया है अब ये ब्लू फ्लैग दो हज़ार क्या है आपको पेड पीडीएफ में जानकारी मिल जाएगा अब यहाँ पे बात करें किस देश में ये आयोजित किया गया है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभी हाल ही में ये इजराइल में आयोजित किया गया था और इजराइल की जो राजधानी ये है येरुसलम ये हमारा अगला प्रश्न होगा उनतीस नंबर प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में विद्रोहियों के हमले के बाद किस देश में आपातकाल लागू हुआ है तो आपातकाल जो वाले जो प्रश्न होते हैं देश में आपातकालीन जो स्थिति लागू होती है तो यहाँ से भी हमने देखा कि बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बने हैं तो ये ध्यान रखना इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है इथोफिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा तीसवा प्रश्न यह प्रश्न हाल ही में कलिज फिशेंट को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का राज्य के पक्षी घोषित कर दिया गया है इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर ये भी प्रश्न हमारा यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट है अब चलेंगे अगले प्रश्न पे हमारा अगला होगा इकतीस नंबर प्रश्न यह प्रश्न किस सोशल मीडिया कंपनी ने चेहरा पहचानने के प्रणाली फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया है तो जो फैसला किया गया अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा किया गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे हमारा यहाँ पे होगा बत्तीस नंबर प्रश्न कि हाल ही में किस देश के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश से घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है क्योंकि इस प्रश्न का अमेरिका अमेरिका संसद में अभी हाल ही में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा अगला होगा तैतीस नंबर प्रश्न किसानों को बेहतर क्वालिटीज के बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है चौंतीस नंबर प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी दिवस जो मनाया जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पांच नंबर को हमारा अगला होगा पैंतीस नंबर प्रश्न यह प्रश्न कि हाल ही में किस पत्रकार को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से किस पत्रकार को नामित किया गया है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर डी डी यानी कि झांग जान पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारे पे अगला प्रश्न होगा छत्तीस नंबर प्रश्न ये प्रश्न हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह से टकराने वाला अंतरिक्ष यान डिजाइन किया है तो अभी हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा अभी यह क्षुद्रग्रह से टकराने वाला अंतरिक्ष यान डिजाइन किया गया तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और फिर यहाँ पे हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है सैंतीस नंबर प्रश्न ये प्रश्न कि हाल ही में अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता किस देश में आयोजित की जाएगी ये घोषणा भी हाल ही में हुआ और ये अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का जो आयोजन होगा ये अपना देश भारत में किया जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब यहां पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूं इसका राइट right आंसर क्या होगा कृपया आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप चाहें तो यहां पर इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं और यहां पर एक चीज ध्यान रखेगा जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए यहां पर आपको फिफ्टी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है फिफ्टी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है तो आप यहां से इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मेंबरशिप लेने के बाद ये तमाम चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे और अपनी तैयारी का आकलन करेंगे कि आगामी एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उस आधार पर यहाँ पर आप सारी चीज़ों को जान पाएंगे चलिए तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद जय हिंद